हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग आए थे अविनाश पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए, लेकिन आज जो है ना एनवायरनमेंट डे के मौके पर अविनाश पेट्रोल पंप वाले जो है ना कुछ प्लांटेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनके लिए। ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, जहाँ पे देखते हैं हम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हम प्लांट्स लगा कर जो है ना इस गर्मी को कम कर सकते हैं, तो इनकी तरफ से हम प्लांट रिसीव करते हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है अविनाश पेट्रोल पंप वालों की तरफ से। मैं इन लोगों को बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस काम के लिए, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे काम आप लोग भी करिए। जो ट्रीज़ वगैरह लगाना है कहीं पे भी आपके घर के आसपास में लगाना है लगाइए, क्योंकि इससे हमको ही फ़ायदा होता है, हमको छाँव मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और ये जो धूप दिख रही है आपको ये धूप भी कम होती है। तो हम लोग जाएंगे इसको लगाएंगे। जो प्लांट्स लेकर आए थे सभी हम प्लांट कर रहे हैं इसमें। सबसे अच्छी बात ये है कि अविनाश पेट्रोल पंप जो अपना गंज में है वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एरिया में। जो एनवायरनमेंट डे पे प्लांट कर वो गिफ्ट किए हैं आज। इतना अच्छा है तो आज एनवायरनमेंट डे के मौके पे हम लोगों ने जो हमको झाड़ मिले थे अविनाश पेट्रोल पंप वाले जो हमको एज ए गुड टोकन ऑफ गुड जिस्टर जो भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से वो लोग प्रोग्राम करके जो ये प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसमें जो दो प्लांट्स हमको भी दिए थे वो प्लांट्स को जो है हमने प्लांट कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया जो पेट्रोल लेने आ रहे थे, उन लोगों को बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। और आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा है तो आप लोग भी ऐसे झाड़ वगैरह लगाए तो अरे घर में एक एक दो दो झाड़ रहे तो कंपलसरी क्या होता है थोड़ा ऑक्सीजन भी अच्छी मिलती है झाड़ों से, और जब झाड़ बड़े होते हैं तो ज़रा जो हीट है वो भी कम होती है इंशाल्लाह। अपना ओजोन लेयर भी बच जाता ऊपर के जो भी लेयर्स हैं जो भी डायरेक्ट सनरेज की जो आ रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं, प्रोटेक्ट होता है। तो अब जो भी ओवरऑल है हर घर में कम से कम मिनिमम एक झाड़ लगाने की आप कोशिश करो घर के बाहर, कम से कम नहीं तो भी नहीं मतलब नीम का झाड़ भी आपको कहीं भी मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो फ्रूट्स के झाड़ लगाने की, क्योंकि फ़ायदा फ्रूट्स भी मिलते हैं आपको और झाड़ जो है ना आपको छोड़नी भी देता और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।